26 दलों को लेकर के आप ममता को बनाएंगे, आप इस निकम्मे केजरीवाल को बनाएंगे, देखिए ना क्षेत्र में क्या विकास कर रखा है, इसको बनाएंगे निकम्मे को, हैदराबाद में क्या वो टोपी वाले को बनाएंगे जो मुसलमान मुसलमान रखता है उसके हिंदू जुबान पे नहीं आता। इस देश में जो भी कोई हिंदू के खिलाफ बोलेगा, मुसलमान के खिलाफ बोलेगा, सिख के खिलाफ बोलेगा, ईसाई के खिलाफ बोलेगा, उसे जनता स्वीकार नहीं करेगी, उसे लात मार के भगाएगी। इतनी पॉपुलैरिटी है तभी तो मोदी मोदी कर रहे हैं। अभी 5 साल मोदी मोदी करवा लो, आगे फिर 5 साल बाद लोग कहेंगे योगी 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 योगी, ये क्या करोगे। मंगलवार का दिन बहुत व्यस्त रहा और दो अलायंस, एक जो पहले यूपीए थी उसने अपना नाम इंडिया किया, तो वहीं एनडीए ने भी दिल्ली में अपना दम दिखाया। आमतौर पे हम आपको उन जगहों से वीडियोस दिखाते हैं जहां पे भिन्न भिन्न प्रकार के लोग आते हैं, लेकिन आज मैं दिल्ली के कोर में घुसा हूं, दिल्ली की उस कॉलोनी में घुसा हूं जहां के निवासी क्या सोच रहे हैं, वोटर्स क्या सोच रहे हैं, उससे आपको रूबरू कराऊंगा। अंकल जी आपका नाम? कैप्टन मान सिंह। कैप्टन साहब क्या लग रहा है, 2024 में इंडिया बनाम एनडीए कर दिया गया है, यूपीए अब इंडिया हो गया और कांग्रेस का कहना है कि इंडिया से जो भी लड़ेगा वो हारेगा चाहे वो मोदी ही क्यों ना हो। नाम बदलने से है ना नीत नहीं बदलती। ठीक नाम आपका कुछ भी है, नाम आपका कुछ भी है, आप में दम होना चाहिए, नाम में नहीं। ठीक न मोदी है तो मुमकिन है, न मोदी को हराने वाला न कोई पैदा हुआ न होगा। कैप्टन साहब आप ही के प्रोफेशन को लेकर कल की मीटिंग में बात हुई है कि सेना को जो मोदी सरकार ने कमजोर किया है उसको मजबूत करेंगे जब हम आएंगे। जिस टाइम कांग्रेस का राज गया न उस टाइम गोला बारूद सिर्फ 16 दिन का था। ठीक है न, आज है न आज 6 महीने की लड़ाई ना इंडिया लड़ सकता है। ठीक है ना, आप कमजोर की बात करते हो, सेना का तो इसने इतना मजबूत करा कि पाकिस्तान में जा करके स्ट्राइक करते हैं, कभी किया था, कभी सोचा था किसी ने? ना अच्छा एक बात बताइए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान अब इंडिया खोलेगा, इंडिया जीतेगा मोदी हारेगा। ये जो सोच रहा है ना इसकी सोच कभी पूरी नहीं होगी, ये बात ध्यान करते रहिएगा। और हिंदुस्तान के अंदर आप देखते रहिएगा, ये जो 26 पार्टियां दल आज इकट्ठा हुए हैं ना ये सब के सब धराशायी हो जाएंगे। पहले 26 दल के लोग जो खड़े हैं ये पहले ये बता दें कि इनके में प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है। आप 36 की बात कर रहे हैं, 36 में 36 दलों को जोड़ने वाला व्यक्ति को आज केवल एक ही व्यक्ति को नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की बात की जा रही है। और यहाँ पे 26 दलों को लेकर के आप ममता को बनाएंगे, आप इस निकम्मे केजरीवाल को बनाएंगे, देखिए ना क्षेत्र में क्या विकास कर रखा है, इसको बनाएंगे निकम्मे को। आप जहां पे मणिपुर में देखिए रोज हत्याएं हो रही हैं, इन लोगों को बनाएंगे। हैदराबाद में क्या वो टोपी वाले को बनाएंगे जो मुसलमान मुसलमान रखता है उसके हिंदू जुबान पे नहीं आता। अरे ये देश ना हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर के काम करेंगे। और आज हिंदुस्तान के अंदर में देख लीजिए कि कहीं भी आप आतंकवाद की बात बता दीजिए और जो लोग कर रहे हैं ना गुंडागर्दी दादागिरी, केवल एक ही स्टेट जो उत्तर प्रदेश है ना एक गेरुआ वाला बाबा सबको सिखा दे रहा है। और गलती से बाबा कई 5 साल बाद अगर एक केंद्र में बैठ गया ना तो सबका सब सफाया हो जाएगा देश में, वाकई में सही ढंग से हिंदू भी रहेगा, मुसलमान भी रहेगा, सिख भी रहेगा, ईसाई भी रहेगा और प्यार से रहेगा और देश प्यार से। अरे वही तो प्यार से नहीं रहने दे रहे हैं आप लोग। अरे उनको रहने, अरे एक नेता के कहने से आने तो दीजिए दोस्त, इनको सबक सिखा दिया जाएगा। अरे पहले तो इंतजार करें, ये 70 साल की जो काला चिट्ठा है ना, ये 70 साल जो देश को लूटा है, अभी तो संसदी गई है, अभी तो सांसद पद से गए हैं, अभी ये बेचारे सब करते करते जेल चले जाएंगे, जेल जाएंगे अभी अभी
आपके केजरीवाल का नंबर है, आपकी ममता का नंबर है, आप ये सब जो बैठे हुए हैं ना, जो केवल हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ये सब जाएंगे जेल। बीजेपी वाले जेल जाएंगे, हिंदू मुसलमान तो वही करते हैं। अरे नहीं, कहाँ कहिया हिंदू मुसलमान, आप बीजेपी वाले कर तो रहे हैं। आपकी ममता, आप लोग जाकर के वहां पूछिए कितने हिंदुओं को नरसंहार कर दिया गया, मणिपुर में घर जला दिया गया, आज दिल्ली के अंदर में आप देख लीजिए सब अमन चैन से रह रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, पूरे चैन से रह रहे हैं। केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं। अरे केजरीवाल नहीं, केंद्र में सरकार बैठी है इसलिए, केंद्र में सरकार बैठी है इसलिए, इसलिए नहीं कि मुख्यमंत्री बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अगर मुख्यमंत्री बढ़िया काम करता तो बेंगलोर में जाकर के वहां पे बैठ करके वहां प्रधानमंत्री पद की दावेदारी की वहां घोषणा नहीं कर देता कि मैं बनने वाला हूं। देश चलेगा प्यार से, वैमनस्यता से नहीं चलेगा। इस देश में जो भी कोई हिंदू के खिलाफ बोलेगा, मुसलमान के खिलाफ बोलेगा, सिख के खिलाफ बोलेगा, ईसाई के खिलाफ बोलेगा, उसे जनता स्वीकार नहीं करेगी, उसे लात मार के भगाएगी। हमें प्यार से, अमन से, चैन से रहना है। कोई भी आज उत्तर प्रदेश में कोई भी मुसलमान कह दे कि हमें सताया जा रहा है, जिन मुसलमानों ने, जिन हिंदुओं ने किसी को सताया होगा, आज वो कटघरे में, आज जेल में होगा। और ऐसे आदमियों का जेल में ही रहना ठीक है, उचित है, और रहना उचित नहीं है। हमारे देश में एकता से जो रहेगा, एकता से प्यार करेगा, वो एकता से काम करेगा, वही काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। अब ये इंडिया के पर्दे के पीछे छुपना चाहते हैं। मुझे एक बात बता दीजिए, जितने ये 26 के 26 दल जुड़े हैं, इनका जो मुखिया है, जिस भी पार्टी का है, एक भी ऐसा बता दीजिए जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। ममता बनर्जी का भ्रष्टाचार को तो छोड़ ही दीजिए, उनके जो हैं वो हैं, जब तक सरकार में हैं बचे हुए हैं। एक वहाँ पर केवल आप पश्चिम बंगाल में राम राम बोल दो, वहाँ पर वो राष्ट्रीय द्रोह माना जाता है। आपका राम राम बोलना जेल में डाल देगा। वहाँ पर हिंदू मुसलमान हो रहा है या यहाँ पर हो रहा है, ठीक है ना? तो यूपी के अंदर है, जितना हिंदू है, मुसलमान है, कोई भी जात का हो, धर्म का हो, गलत करता है जेल में जाता है, इनकाउंटर होता है, मकान तोड़ दिया जाता है। और सरकार की नीतियों का फायदा जितना हिंदुओं को नहीं मिला, यूपी के अंदर भगवाधारी की सरकार है वहाँ पर, लेकिन जितना फायदा मुसलमानों को हुआ है, मकान और न्याय, कोई भी चला जाए। तो योगी की इतनी बात कर रहे हैं, योगी कोई प्रधानमंत्री बना दे क्या, मोदी जी से बेहतर तो फिर आप लोग योगी को मान रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सच्चाई तो ये है कि आज देश के अलग अलग राज्यों में तो मांग है ही, पूरे देश की मांग है कि योगी जी को ही प्रधानमंत्री, मोदी जी इस्तीफा दे देना। मोदी जी जब तक हैं अच्छा कर रहे हैं। आज देश का सम्मान पूरे दुनिया के अंदर शिखर पर है, शिखर पर। जितने सर्वोच्च अवार्ड भारत ने अब हासिल किए हैं देश के प्रधानमंत्री ने, कभी नहीं किसी को मिला। आप सारे मीडिया कर्मी कल से अनाउंस करवा दीजिए कि यहाँ के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के बजाय यहाँ पे योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। गारंटी के साथ दे रहा हूँ, 26 जो दल के नेता हैं, ये यही कहने लगेंगे कि मोदी ही ठीक था, योगी को रहने दो। ये कहेंगे मोदी ही ठीक था। इनको पता है कि जो देश हित के लिए काम करने वाला है, अभी तो चल रहा है, 5 साल झेल लो, 5 साल बाद झेलने की आवश्यकता नहीं होगा। दुनिया अमन चैन से रहेगी जब योगी आएगा। अब इंतजार करिए, अभी 5 साल देश, अरे मूर्ख लोग हैं यार, जो विदेशों में, जो दूसरे देश का प्रधानमंत्री आज आपके प्रधानमंत्री का चरण धर रहा है, ऐसे में तो राहुल गांधी को खुश होना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और मुझे तब गुस्सा आता है कि आज 1000 घर जमुना के किनारे यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, रोड पे खाना खा रहे हैं, रोड पे अपने बच्चों को पाल रहे हैं, और ये दिल्ली का मुख्यमंत्री बेंगलोर में जाकर के प्रधानमंत्री का सपना देख रहा है। क्या ऐसे मुख्यमंत्री को क्या प्रधानमंत्री बनाने का हक है जनता को, जो यहाँ पे भूखे सो रही है, जिनके परिवार खाना नहीं खा पा रहे हैं, और यहाँ जो मीटिंग करने जा रहे हैं कि हम अगुवाई करेंगे देश का प्रधानमंत्री बनने का? अरे मुख्यमंत्री सही ढंग से तो नहीं बन रहे। मुख्यमंत्री का क्या होता आदर्श? आदर्श ये होता है जो मुख्यमंत्री है यहाँ का, कि सारे दिल्ली के अंदर में
अगर हमारी जो प्रजा है इसको रात को भ्रमण करना चाहिए कि हमारी प्रजा संपन्न से खाना खा करके सो गई है कि नहीं सो गई है, उसके बाद दायित्व बनता है राजा का सोने का। और एक राजा बाहर जाकर के स्टेट में प्रधानमंत्री बनने के लिए सपना देख रहा है, जो दिल्ली को नहीं चला पा रहा है। क्या ऐसे ऐसे लोगों को देश का दायित्व देना चाहिए ऐसे लोगों को? अरे वो तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 सालों में इस देश को सैकड़ों साल पीछे डाल दिया, गुलामी की तरफ चले गए देश, इसीलिए उस वक्त में अंग्रेजों से लड़े थे और अब मोदी से लड़ेंगे। झूठ बोल रहा है। उसने क्या किया कि एक जीरो हटा दिया, ये कह रहा है ना सैकड़ों, मैं कह रहा हूँ हजारों साल आगे बढ़ा दिया नरेंद्र मोदी ने, पीछे नहीं किया, हजारों साल आगे बढ़ा दिया। और देश ग्रोथ आगे जाएगी, बढ़ेगी। एक बात बताइए, आप 1 किलो टमाटर लेते हैं कितने रुपए, कितने ले, 100 रुपया किलो, 200 रुपया किलो, कितनी टमाटर चढ़ती है उसमें? 20। क्या एक खाल आप 1 किलो टमाटर एक बार में डाल देते हैं? आपका 10 दिन चलता है तो आप उसको गुणा कर लीजिए कितने का हो गया। अरे देश अभी जिस तरीके से त्रिपाठी जी कर रहे हैं, हम इनको प्रधानमंत्री इसलिए बनाए थे कि आगे हमारे गटर का सफाई करें, ये टमाटर सस्ता करे, ये इनका काम करे। मुख्यमंत्री का कार्य है कि अपने मंडी किसकी है, मंडी मंडी के मुख्यमंत्री की है ना, दिल्ली सरकार की। जितने भ्रष्टाचारी है इन्हें रोक लगा दे कि अगर कोई भी महंगा सामान बेचेगा उसकी ट्रक दिल्ली के अंदर मंडियों में नहीं। नौकरियां खत्म हो गई है लेकिन भयंकर। अरे नौकरियां जिम्मेदारी है दे ना, दिल्ली की जिम्मेदारी, अरविंद केजरीवाल की नौकरियां दे, सब केंद्र सरकार की जिम्मेदारी। अरे दिया है, आपको पता होगा, आपको नहीं पता है, जितने विधायक हैं उनके बीबियों को नौकरी दी गई है, जितने उनके साले हैं उनके नौकरी दी गई है, जिनके उनके बहनोई लगते हैं उनको नौकरी दी गई है। और छोटी मोटी नहीं, 2.5 लाख से 3 लाख की पेमेंट पे जनता को बेकूफ बनाने वाला अगर एक एक आदमी, अगर जनता समझ जाएगी कि ये निकम्मा झूठा और महादुष्ट पापी है, उसके बाद जनता समझने को तैयार। एक बात बताइए, नीतीश कुमार जो है वो इस पूरे महागठबंधन में सबसे आगे रहे, और नीतीश कुमार मोदी को हटाएंगे, उनके पुराने साथी हैं, उनको बेदखल करेंगे सत्ता से। नीतीश कुमार जी को हटाने की बात और हटने की बात और प्रधानमंत्री सपना देखने की बात शायद यूट्यूब में देख लिए होंगे कि एक बुजुर्ग आदमी उसे कह दिया था, वो शब्दों से मैं नहीं कहना चाहता। नीतीश कुमार की सत्ता जाने वाली है और नीतीश कुमार, लालू का पूरा परिवार जेल में जाने वाले हैं, जरा इंतजार करिए, ये भ्रष्टाचारी सारे जेल जाएंगे, कोई नहीं बचेगा हिंदुस्तान। मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी में भी अगर ऐसे अपराधी हैं, ऐसे दुष्ट हैं, ऐसे गलत काम करने वाले हैं, तो मैं मोदी जी को आह्वान करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि अन्य दलों से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी जेल भेज दें। हमें अच्छा नेता चाहिए जो विकास कर सके, जो क्षेत्र में अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं दे सके, जो एजुकेशन दे सके। ऐसा नेता की जरूरत नहीं है जो हमारी जनता को भूखे मार दे और उनके मौत के घाट उतार दे, ऐसी मुझे नेताओं की। यही तो बात है, लोग कहते हैं कि मोदी मोदी मोदी, और लोगों को तो चुनते ही नहीं है आप लोग। चुनना तो इसीलिए है कि मोदी मोदी क्यों कर रहे हैं भाई, इतनी पॉपुलैरिटी है तभी तो मोदी मोदी कर रहे हैं। अभी 5 साल मोदी मोदी करवा लो, आगे फिर 5 साल बाद लोग कहेंगे योगी 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 योगी, क्या करोगे फिर, क्या करोगे आप? चाह रहे हैं लोग, देश की जनता चाह रही है, और देश की छोड़ो विदेशों में भी आ रही है, विदेशों से भी लोग कह रहे हैं कि यार अगर यहाँ ऐसा माफिया लोगों को शिकंजे में रखा जा रहा है तो ऐसे मुख्यमंत्री को तो हमारे देश में भी बुला लेना चाहिए। मैं कह रहा हूँ अपराधी अपराधी होता है, और इन अपराधियों ने गरीबों को सताया है, गरीबों को जो सताएगा वो जेल जाएगा, और जो अभी नहीं गया 5 वर्षों में वो 5 वर्ष बाद जाएगा। हाँ भाई साहब, क्या कहना? मुझे एक बात बताएं, आपने एक बात बोली थी जो मैं सवाल सुन के जो है ना तब से इंतजार कर रहा था कि मुझे वो पॉइंट जरूर बोलना है कि आपने कहा कि हजारों साल सैकड़ों साल पीछे कर दिया आपने, वो जो वो क्या सुपर फास्ट ट्रेनें आई हैं भारत के अंदर, वंदे भारत, और
जिनकी स्पीड इतनी अच्छी है और लुक इतना अच्छा है, सुविधाएं इतनी अच्छी हैं, उनके साथ आपने सेल्फी जरूर ली होगी। हाँ, हमने तो ली है। आपने सेल्फी ली है, लेकिन यहाँ कहते हैं कि पीछे भेज दिया। हाँ। राशन बंटता है तो आगे लगते हैं, कहते हैं कि पीछे कर दिया। अरे वही तो कह रहे, देश को गरीब बना दिया। बताइए, मकान मिलता है तो पहले नंबर लगाते हैं और कहते हैं कि देश सैकड़ों साल पीछे हो गया।